Just stick to plans after this. Sure. No changes. We need at least 10 more engineers on site. What are all those workers doing over there? Lunch break is over. All of you get back. मैडम वो चेटियार के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्लान में एक छोटी सी वो अभी तक नहीं भेजा मैडम भेज दिया मैडम कोर्ट भी भेजा है लेकिन उन्होंने हमें पर्सनली बुलाया है वो आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं क्यों तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं था मैम हमने प्रेजेंटेशन देकर उनकी टीम को प्रॉपर क्लैरिटी भी दे दी है लेकिन वो पुराने ख्याल के हैं पता चला है कि वो अपनी बिजनेस डील ऐसे ही करते हैं वो किसी को भी रूबरू मिलने के बाद ही ओके करते हैं मैम व्हाट नॉनसेंस मैं क्यों जाऊं यू गो एंड डील विद इट सॉरी मैम इट्स अ 600 करोड़ प्रोजेक्ट आपका होना बहुत जरूरी है इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट मैम रघुवरन इसमें अगर वसुंधरा कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है तो ये प्रोजेक्ट हमें मिलना नामुमकिन है मिले या ना मिले सर हमें तो अपना काम करना है बाकी ऊपर वाला देख लेगा चलिए ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं मैम दो लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट देने की क्या जरूरत थी चटियार को सच एन एंबैरेसमेंट सॉरी मैम वी वांट इनफॉर्म मैडम मैं रघुवरन आपको याद है आई एम राजमोहन शट अप सो क्यूट गुड मॉर्निंग मिस्टर रामकुमार गुड मॉर्निंग सर हेलो सर ये तो आपको शट अप बोल के जा रही है पूछा था चुप होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसने शट अप कहकर सही जवाब दिया आई थिंक शी मस्ट बी वेरी गुड इन हर इंग्लिश और थोड़ा बेटर बहाना करते बेबे अरे छोड़ो ना बेबे बोलिए मैडम आपके डिजाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर इफ यू डोंट माइंड आई प्रेफर अ प्राइवेट मीटिंग अकेले में बात करें अकेले में बात करनी थी तो घर में बुलाती पलटन के साथ यहाँ क्यों आई शट अप सो क्यूट अरे इसमें क्या है यही बोलिए ना लेकिन समझ में आ जाए बस रघुवरन अब कोई जंग शुरू होने वाली है मे बी सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिजाइन इज टू क्रिएट फ्री फ्लोइंग स्पेसेस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज व्हिच विल अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स एज पर आवर प्लान इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इवैक्यूएशन इट्स लाइक दैट द कंस्ट्रक्शन इज जर्मन टेक्नोलॉजी सो यू गेटिंग इट राइट ओके गुड And of course, we have our floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of area is utilized to the maximum in order to make it one of the most highly sustainable hospitals in this entire region. Basically, it's a 600 crore project that we will execute within a 2-year period of time. Okay? Samajh gaye? Samajh gaya. Baby, lagta hai madam kahin room book karke rehearsal karke aayi hai. Aisa hi lagta hai. Sir, lage haathon apna design bhi bataiye. Raghuvaran sir, please. सर जी अब ये देखिए सर जी हॉस्पिटल के लिए अहम बात ये है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के करीब होना चाहिए अपना लैंड ऐसी जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाएं क्योंकि सूरज की किरणों में हीलिंग पावर्स हैं और वास्तु भी बिल्कुल सही है सर जी मैंने चेक कर लिया है ये जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है इसको थोड़ा हाइट पर रखा है ताकि बारिश में पानी ना जम जाए मैं समझ गया समझ गया एम्बुलेंस के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और ओपन एरिया है जहाँ से हवा चलती रहेगी हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये तो बहुत अच्छा गाना है मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू वाह वाह क्या गाना है संभल मेरे साथ चल तू मुझे लेके साथ चल तू और सर जी इस जगह पर फार्मेसी होगी बाकी सब बेसिकली आपने जैसे चाहा वैसा ही रखा है और भी टेक्निकल डिटेल्स हैं पर वो सुना के आपको बोर नहीं करना चाहता देखा जाए तो आपका डिजाइन ही बेहतर है और आपकी कंपनी का रेपुटेशन तो सारी दुनिया को पता है बजट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं प्रोजेक्ट तो आप ही को देना चाहिए तो हमें इजाजत दीजिए सर रुको बेटा बट I like your attitude and behavior better. That's a very bright boy you have, Mr. Ramkumar. Street smart. Stay the way you are. You will go a long way. Congrats. The project is yours. What? Good luck. Congrats. Thank you, sir. And make sure I made the right choice. Is he serious? What's wrong with my attitude, huh? And why did he call us all the way over here? Just to make fools out of us? Especially in front of these Anita Constructions idiots? मैडम आपने जो कहा वही मैंने भी कहा बस मेरे लफ्जों में तमीज थी और आपके लफ्जों में घमंड दोनों की बात एक ही थी लेकिन तरीका अलग था मेरी बात और है लेकिन वो सीनियर है उम्र में बड़े हैं और आपने उन्हें भी बिना तमीज के इडियट बोल दिया आप तो बड़े लोग हैं बड़ी पोजीशन में इज्जत देके इज्जत लीजिए मैडम
चाहे आप आसमान का तारा क्यों ना बन जाए, पैर जमीन पर ही होने चाहिए। यार मानना पड़ेगा, स्लम क्लीयरेंस प्रोजेक्ट के बाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। चीयर्स। रघुवरन, सब लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर, लेकिन अपनी बीवी को कैसे हैंडल करूँ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। वो टेक्निक तो इसरो के साइंटिस्ट के पास भी नहीं है बेबे। उधर देखो, उनमें आधे से ज्यादा शादीशुदा हैं। फिर भी ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी यहाँ क्यों बैठकर पी रहे हैं? बस उतना ही है। बस उतना ही? और मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है। तुम्हारा बाप एक्सपीरियंस आदमी है, वो जो कह रहे हैं वही सही होगा, तू वैसा ही कर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर? इसके पहले ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते थे? सर, हाँ? आपका घर आ गया है, आप उधर जाओ। अरे मैं तो पहले से ही उधर गए ना। हाँ। तो अब जाओ, घर जाओ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू। सर सर सर, हाँ? ये मेरा घर है सर, आप अपने घर जाइए ना। तो मेरा घर किधर है? आई डोंट नो। बोलो मेरा घर किधर है, किधर है, किधर है? सर योर मिसबिहेविंग आपको चढ़ी हुई है, बाद में मैं। सर मुझे चढ़ी? हाँ, यू आर वेरी ड्रंक। तूने नहीं पिया? तो क्या तुमने दूध पिया है? आई डोंट रिमेम्बर। ऐसा क्या? देखिए ये सब मत करिए, आप पी के लफड़ा कर रहे हो, आप घर जाओ। लफड़ा? और क्या, मैं लफड़ा करूंगा? क्या करेगा तू, क्या करेगा? सर आप तू तड़ाक पे आ गए, फिर मैं भी तू तड़ाक पे आ जाऊंगा, लिमिट क्रॉस हो जाएगी। मैंने लिमिट क्रॉस करेगा तो करना लिमिट क्रॉस। तू तड़ाक तू भी करना। करता क्यों नहीं? नहीं सर, इसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा? जो भी बात करनी हम सुबह करेंगे। हाँ? अब घर जाइए। मैं यहाँ से कैसे घर जाऊंगा? ये लीजिए, मेरी सुंदरी को लेकर जाइए। जाइए सर। बेबे डोंट वरी बेबे, ही टेक गुड केयर ऑफ यू। मैं बुझी बू लीजिए सर। सर यू डोंट हैव इमोशंस, यू डोंट हैव सेंटिमेंट्स, वैल्यूज। बेबे बेबे, तेरी सुंदरी तेरी जान है, मैं नहीं लूंगा। डोंट टॉक टू मी फॉर 2 डेज। स्मेल आ रही है? आ रही है? आ रही है? क्यों आ रही है? मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन इसी ने दारू में कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं कोल्ड ड्रिंक्स में दारू मिला के मुझे पिला दी। ये क्या भाई, मुझे क्यों पसा रहे हैं? सच्ची तो कहा है। ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम नहीं पियोगे। लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम है, जाके देखते हैं सर। मानिक यहाँ क्या हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम है सर, बाहर के लोग आके लफड़ा कर रहे हैं। मैडम प्लीज आप यहीं रुकिए। मैडम क्या हो रहा है? क्यों क्रिएट कर रहे हो? अरे धक्का क्यों दे रहे हो?